हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है बास और इस वीडियो का टॉपिक है इंटीग्रेटेड एमबीए वर्सेस रेगुलर एमबीए। तो ये क्वेश्चन मुझसे किसी स्टूडेंट ने कोरा पे पूछा था, तो मुझे लगा कि ऐसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सेम क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेटेड एमबीए में और रेगुलर एमबीए में क्या डिफरेंस है और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इंटीग्रेटेड एमबीए बेनिफिशियल रहेगा और कौन से ऐसे नहीं है जिनके लिए नहीं रहेगा बेनिफिशियल और किन स्टूडेंट्स को रेगुलर एमबीए से सेपरेटली जाना चाहिए। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इंटीग्रेटेड एमबीए की बात करूं तो इसमें जो इंटीग्रेटेड वर्ड है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब कि किसी भी चीज को मिला देना। तो उसमें क्या होता है, दो कोर्सेज होते हैं, बैचलर्स प्लस मास्टर्स, उसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, उसे हम आपस में मिला देते हैं। तो दो कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ कोर्सेज बीबीए प्लस एमबीए या हो सकता है बीटेक प्लस एमबीए, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बीएससी प्लस एमबीए का इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम चलाते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है हमारा 5 ईयर्स का। क्या होता है, आपको सिर्फ एक बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता है जो कि 12th के बाद होता है। आपने एक बार वो क्वालिफाई कर लिया तो आपके 5 साल का जो भी पढ़ाई का है वो आपका सेट हो जाएगा, कि मतलब एक बार एंट्रेंस देने के लिए आपको डायरेक्ट आप अपनी बैचलर्स भी कर लेंगे और मास्टर्स भी कर लेंगे। इसमें आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा एमबीए एग्जाम। अब बात करते हैं अगर हम रेगुलर एमबीए के, तो देखिए रेगुलर एमबीए क्या होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 2 साल का होता है और इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। सिंपल नॉर्मल एमबीए जो लोग करते हैं अपने बैचलर्स के बाद वही होता है। तो ये बात हो गई एमबीए के, उसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी होती हैं, जैसे कि एचआर में होता है, और अगर आप स्पेशलाइजेशन लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, सो तो बहुत सारे एमबीए में स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रेटेड एमबीए करना बेनिफिशियल रहेगा और कौन से स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर एमबीए करना बेनिफिशियल रहेगा, तो पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड एमबीए। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे पहले बैचलर्स करनी है और फिर मुझे एमबीए करना है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि उन्हें एक बार एंट्रेंस देना पड़ेगा सिर्फ, और अगर वो अलग अलग से देते हैं तो पहले बैचलर्स देना पड़ेगा फिर मतलब दोबारा देना पड़ेगा उन्हें एमबीए के लिए। तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेटेड एमबीए से उनका टाइम सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको क्या है, बैचलर्स करनी है, बीबीए करना है या कोई भी कोर्स करना है, बीटेक करना है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लें, जॉब करें, तो आपके लिए क्या इंटीग्रेटेड एमबीए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अलग से बैचलर्स करें, उसके बाद बैचलर्स करने के बाद आप आगे अपने वर्क एक्सपीरियंस लें, कहीं भी जॉब करें, और जब आपको लगे कि मुझे मास्टर्स करनी चाहिए तो आप अलग से एमबीए का एग्जाम देके अपने मास्टर्स कर सकते हैं। अब देखिए दोनों रास्तों में फर्क क्या है, कि उस फर्क है सिर्फ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का और टाइम का। इंटीग्रेटेड एमबीए क्या हो रहा है, आपको रेगुलर इकट्ठे 5 साल आप पढ़ रहे हैं, और जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें आप बैचलर्स को अलग से पढ़ रहे हैं और एमबीए को अलग से करेंगे, तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि बीच में देखिए आप अपना एक्सपीरियंस का भी टाइम बनाएंगे जो कि आप वर्क करेंगे जहां पर भी, और आपको 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, एक तो अपने बैचलर्स के लिए सेपरेटली और एक एमबीए के लिए सेपरेटली। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड एमबीए के बीच में और रेगुलर एमबीए के बीच में चूज कर सकते हैं। तो अब एक जल्दी से कोई मैं आपको समराइज कर देता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एमबीए की तो ये होता है 5 साल का, और अगर हम बात करें रेगुलर एमबीए की तो ये होता है 2 साल का। अगर हम इंटीग्रेटेड एमबीए की बात करें तो इसके अंदर आपको एक बार एंट्रेंस देना पड़ता है, दैट इज वंस, और अगर हम एमबीए की बात करें तो आपको बैचलर्स के लिए सेपरेटली और एमबीए के लिए सेपरेटली आपको देना पड़ता है। अभी इंटीग्रेटेड एमबीए किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जिनको ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे बीबीए करना है पहले फिर एमबीए करना है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो एक बार ही एंट्रेंस देके सारा कोर्स कर सकते हैं। और रेगुलर एमबीए किन लोगों के लिए है, जो वर्क एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो बैचलर्स के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, हमारा रेगुलर एमबीए अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस की, तो इसमें आपको मैं डिफरेंट कॉलेजेस बता देता हूँ। तो पहला कॉलेज है हमारा डून बिजनेस स्कूल, जो कि डिग्री देता है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। सेकंड है हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, IIFT जिसे बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड उसके अलावा है हमारी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, IIIT जो की है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जामिया हमदर्द। और देखिए जामिया हमदर्द में क्या है, जामिया हमदर्द में कोर्स जो है 4.5 इयर्स का, तो आधा साल आप ऐसे भी बचा सकते हैं। तो ऐसे और भी कॉलेजेस हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो भी एक कोर्स कराती है। तो आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको और भी ज्यादा कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये मेरी मोटिवेशन का काम करेगा और मैं इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।